ऑलरेडी okay. इंट्रोडक्शन देख लिया था आई आर का जेनेसिस देखा आई आर का ठीक है और वीवर ऑन द अप्रोचेस पार्ट वो हम डिस्कस कर रहे थे अप्रोचेस के अंदर मैंने आपको क्या बताया था अप्रोचेस के अंदर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि देर इज अ पर्सन कॉल्ड जेरोम जोसेफ इन्होंने जो अप्रोचेस है ना वेरियस उनको दो perspectives में डिवाइड कर दिया एक आ जाता है perspective और एक आ जाता है ऑर्डरलीनेस कॉन्ट्राडिकस्पेक्टिव कॉन्ट्राडिक्शन परस्पेक्टिव के अंदर मैंने आपको बताया था ये हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं तो थोड़ा फटाफट मैं ये स्लाइड्स को दिखा रहा हूं अच्छा स्लाइड्स के ऊपर आने से पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं मेरे लेक्चर्स हो सके तो प्लीज कंटिन्यूटी में देखिएगा ठीक है जो ये पूरा आई का कोर्स है इसको कंटिन्यूटी में देखिएगा कंटिन्यूटी एज इन लेक्चर वाइज देखिएगा करके बीच में से देखेंगे तो हो सकता है कि आपको उतना मजा ना आए और सब्जेक्ट की कवरेज भी उस तरीके से नहीं होगी गारंटी मेरी ये है कि जो आप पेड कोर्सेज लेते हो ना आई के उनसे लाख गुना बेहतर आपको यहाँ पर क्वालिटी और मिलेगी किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा ये सोच करके कि ये फ्री है तो ये हंड्रेड कवरेज नहीं होगा ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है ये फ्री है और इसीलिए आप इसको देखो अच्छे से इसके बाहर से आपको दिक्कत नहीं आएगी कोई भी आई आर अगर हम पार्ट की बात करें सो द कॉन्ट्राडिक्शन परस्पेक्टिव क्या बोलता था कि देखो जी पावर इंबैलेंस है कैपिटलिस्ट और वर्किंग क्लास के बीच में वर्किंग क्लास का एक्सप्लॉटेशन हो रहा है और ट्रेड यूनियनिज्म कलेक्टिव बार्गेनिंग या वर्कर्स के लिए जो पॉलिटिकल पावर की हम बात करते हैं वो कहीं ना कहीं इस पावर बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए है और इसके अंदर तीन अप्रोचेस थी मेन मार्क्सियन रेडिकल अप्रोच मॉडरेट सोशलिस्ट अप्रोच और सोशल एक्शन अप्रोच अब हमारा ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है ये जो वीडियो है इसके अंदर हमारा फोकस किस चीज के ऊपर रहेगा हमारा फोकस रहेगा इन तीन अप्रोचेस को कवर करने के लिए ध्यान होना चाहिए लेक्चर के ऊपर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है पीडीएफ का एक बहुत छोटा सा वैल्यू है नाइन्टी नाइन रुपीज जो आपको पे करना है आपको सारे इंडस्ट्रियल रिलेशन गैप के अभी हम लेक्चर्स डालेंगे वो सब पीडीएफ उसके अंदर मिल जाएंगे और जो पिछली बार हमने लेक्चर्स बनाए थे इंडस्ट्रियल रिलेशन और गैप के जो अब अग, अगेन यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्लेलिस्ट उनकी भी मिल जाएगी वो भी आप देख सकते हो वो भी काफी अच्छे लेक्चर्स थे ठीक है काफी कुछ इन लेक्चर्स के अंदर रिपीट होगा काफी कुछ नई चीजें होंगी तो पिछले लेक्चर्स भी देख सकते हो मीनवाइज अब तक ये लेक्चर्स धीरे धीरे डल रहे हैं उन लेक्चर्स की पीडीएफ भी आपको उन नाग्टी नाग्टी रुपीस के अंदर मिल जाएगी ठीक है प्राइस मैंने आपको पहले भी बताया कि रखा गया है ताकि एक सीरियसनेस एनकरेज हो ओके और जो लोग नाइन्टी नाइन रुपीज नहीं खर्चना चाहते वो लेक्चर देखें उसके बाद लेक्चर में से वो नोट्स भी बना सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर भेदभाव हो गया है यहाँ पर कि नाइनटी नाइन रुपीज जिसने दे दी उसको पीडीएफ जो नहीं देना चाहता वो अपने हैंड रिटन नोट्स यहाँ पर बहुत ईजीली बना सकता है तो शुरू करेंगे मार्क्सियन रेडिकल अप्रोच से अब मार्क्स तो देखो जी कार्ल मार्क्स और इनके एक साथी थे फ्रेडरिक एंजल्स इन्होंने मिलकर के एक मैनिफेस्टो निकाला जिसको हम बोलते हैं कॉम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इसमें ये क्या बोलते हैं कि देखो जी अगर हम इतिहास की बात करें या पूरी अगर हिस्ट्री देखें तो ये पूरी की पूरी हिस्ट्री क्लास कन्फ्लिक्ट से भरी हुई है क्लास कन्फ्लिक्ट बिकॉज क्यों आता है क्योंकि कैपिटलिस्ट और वेज अर्नर दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट है और जो बर्गोस क्लास है यानी कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो अल्टीमेटली क्या कर रही है वो शोषण कर रही है वेज अर्नर्स का ठीक है वो उनको बेसिकली हरास कर रही है और ट्रेड यूनियंस इसीलिए बनाई गई थे इनका एक मेजर इंटेंशन यही था कि कैसे जो वर्किंग मैन है जो वेज अर्नर है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके आपके कैपिटलिस्ट क्लास से ठीक है जी तो बेसिकली ट्रेड यूनियन का जो मेजर पर्पज था वो पर्पज ही ये था कि कैसे इंप्लॉयर की पावर को काउंटर किया जाए स्पेशली वेजिस को सिक्योर करने के अंदर लेकिन मार्क्स कहता है कि देखो जी जो ट्रेड यूनियंस है ना उनका काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि ट्रेड यूनियन बना दिया वेज सिक्योर कर दिया ठीक है पावर बैलेंस करा नहीं सिर्फ इतना नहीं है इससे ज्यादा काम है ट्रेड यूनियन इससे ज्यादा काम उसको करना है उनको वर्किंग क्लास को पॉलिटिकली स्ट्रांग बनाना है एंड अल्टीमेटली जो वर्किंग क्लास है उनको कैपिटलिस्ट से पावर ग्रैब करना है तभी कहीं जाकर के वर्किंग क्लास जो है उसका भविष्य से क्यों और होगा नहीं तो कैपिटलिस्ट क्लास हमेशा वर्किंग क्लास को हेरास करती रहेगी तो बेसिकली मार्क्स का ये कहना था अपनी रेडिकल अप्रोच में अभी जब हम थ्योरीज के ऊपर जाएंगे ना जब हमारा थ्योरीज वाला टॉपिक आएगा तब हम इन थ्योरीज को कहीं ना कहीं थोड़ा और डिटेल में भी देखेंगे अभी हमारा बेसिक आइडिया है कि हम अप्रोचेस के अंदर क्या क्या बात थी वो समझ लें तो मार्क्स की अप्रोच बेसिकली क्या थी कि देखो भैया क्लास कंफ्लिक्ट दोनों के बीच में ट्रेड यूनियन बनी सिर्फ और सिर्फ इस पावर स्ट्रगल को सॉल्व करने के लिए थी और ट्रेड यूनियन का काम यह है कि अल्टीमेटली स्ट्रगल के थ्रू पॉलिटिकल पावर जो है वो वर्कर्स ग्रैब कर ले कैपिटलिस्ट क्लास से नेक्स्ट जो इसके अंदर पर्सपेक्टिव आ जाता है वो आ जाता है मॉडरेट सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव अभी मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा किस तरीके से पूछा जा सकता है मॉडरेट सोशलिस्ट अप्रोच जो है ये बेसिकली सिडनी और बेट्रिस वेब जिसके प्रोपोनेंट्स थे इंग्लैंड से बेसिकली बिलोंग करते थे और इन्होंने दो किताबें भी लिखी जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी देखी थी हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म और इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी इसमें ये क्या कहते हैं ये थोड़ा मार्क्स से ऑपोजिट बात कर रहे हैं ये कह रहे हैं देखो जी ट्रेड यूनियन इसलिए नहीं बने कि हमें किसी कैपिटलिस्ट सिस्टम को ओवर थ्रो करना नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें कैपिटलिस्ट सिस्टम को ओवर थ्रो करना है ट्रेड यूनियंस का काम है कि कैसे वर्क और इंप्लॉयमेंट वर्कर्स का इंप्रूव किया जा सके उनकी वर्किंग कंडीशन इंप्रूव की जा सके उनका इंप्लॉयमेंट स्टैंडर्ड इंप्रूव किया जा सके और उसको करने के लिए आपको कैपिटलिस्ट को भगाना नहीं है आपने जो है कैपिटलिस्ट को थ्रो नहीं करना है ठीक है उसके लिए आपको क्या करना है आपको कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीकल इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना शुरू करना है जैसे कि कलेक्टिव बार्गेनिंग ठीक है जहां पर दोनों इंप्लॉयर और इम्प्लॉय आमने सामने बैठेंगे एक टेबल के ऊपर कुछ बातें इंप्लॉयर इंप्लॉय की मानेंगे कुछ बातें इंप्लॉय इंप्लॉयर की मानेंगे ठीक है म्यूचुअल इंश्योरेंस सिस्टम होना चाहिए लेजिस्लेटिव एक्शन होने चाहिए सरकार ऐसे एक्शन ले जो कैपिटलिस्ट क्लास और वर्किंग क्लास दोनों के लिए बेनिफिशियल रहे अब एक एक्सपर्ट हुए हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्सपर्ट हुए जॉन आर कॉमन यूनाइटेड स्टेट्स के थे इन्होंने भी यही बात बोली कि जी ट्रेड यूनियंस को एक मॉडरेट व्यू से देखना चाहिए ओवरथ्रो वगैरह वाला कंसेप्ट नहीं है ठीक है ट्रेड यूनियंस आर लाइक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन एज पर जॉन आर कॉमन इन्होंने एक इलेवन वॉल्यूम का अपना डॉक्यूमेंट पब्लिक पब्लिकेशन इसका निकाला था डॉडकूमेंट्री हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन इंडस्ट्रियल रिलेशन इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर के अंदर पूछ लेता है वो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको सैंपल भी दिया था वो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा डॉक्यूमेंट्री हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन इंडस्ट्रियल रिलेशन इज रिटन बाय जॉन आर कॉमन इज अ वेरी बिग नेम इन इंडस्ट्रियल रिलेशन तो अगर आप इंडस्ट्रियल रिलेशन का सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो एंड यू डोंट नो द वर्क ऑफ जॉन आर कॉमन देन देर इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम ठीक है तो बेसिकली ये क्या कहते हैं कि यूनियन क्या रिप्रेजेंट करती है कलेक्टिव एक्शन इन कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल एक्शन ट्रेड यूनियंस प्रमोट करती है कलेक्टिव एक्शन को वर्कर्स की बात को कलेक्टिवली रखने का ताकि उनके पास एक बारगेनिंग पावर आ जाए तो बेसिकली यूनियन एक काउंटर पावर है ठीक है जो बेसिकली उनको एक बेटर बार्गेनिंग पावर देती है और कलेक्टिव बार्गेनिंग दोनों को अल्टीमेटली हेल्प करेगी वर्कर को भी और इंप्लॉयर को भी दैट इज वाई ही हैज कॉल्ड कलेक्टिव बार्गेनिंग एज टू साइडेड कलेक्टिव एक्शन अब अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो या जो इंडस्ट्रियल रिलेशन के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं वो देखो एमसीक्यूज फॉर्म होते हैं तो डेफिनेटली दिस कैन बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेटमी शो यू

अल्टीमेटली जब मेरी सारी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी ना आप देखोगे कि इतना कोई लंबा चौड़ा कोर्स नहीं बनेगा ठीक है छोटी छोटी वीडियोस डालूंगा वीडियोस चाहे पचास डल जाए लेकिन अल्टीमेटली वो पच्चीस तीस पैंतीस घंटे की लेक्चर्स होंगे सारे के सारे और आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन ऐसा प्रिपेयर हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा पेपर के अंदर थर्ड अप्रोच आ जाओ जा जी सोशल एक्शन अप्रोच ये सोशल एक्शन अप्रोच जो है ये मैक्स वेबर की है अच्छा वो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछता है जैसे मार्क्सियन रेडिकल अप्रोच तो बच्चे इजीली आंसर कर देते हैं कि काल मार्क्स का है वो पूछ लेगा कि मॉडरेट सोशल अप्रोच किसने दिया है तो उसमें आपके दोनों नेम्स आ जाएंगे बेट्रेस और जो आपका आई एम फॉरगेटिंग द सेकंड नेम सिग्नी वेब्स ओके तो ये दोनों नाम आ जाएंगे उसके बाद अगर वो आपसे पूछ ले सोशल एक्शन अप्रोच किसका है तो आपका मैक्स वेबर आ जाएगा डायरेक्ट वो एमसीक्यूज है? होते हैं थर्टी थर्टी क्वेश्चन के क्विजेस बनाए हुए हैं क्विज सॉल्व करो प्रिपरेशन का भी आइडिया लग जाता है और फिर डिटेल्ड आंसर देख लो चलो जी तो सोशल एक्शन अप्रोच बेसिकली क्या बात करता है कि देखो जी

पावर स्ट्रगल के अंदर भी हेल्प करता है आप अगर इंडिया जैसी कंट्री के अंदर ही देखो जहां पर सरकार के अंदर ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वहां पर जो ट्रेड यूनियंस है वो पॉलिटिकली कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ठीक है अल्टीमेटली मैक्स वेबर कहते हैं कि जी अगर आप ट्रेड यूनियन के बात करो या इंडस्ट्री की बात करो तो इसके ऊपर बहुत जो है इफेक्ट पड़ता है कुछ चीजों का तो वो क्या इफेक्ट है एक तो जो भी टेक्निकल इकोनॉमिक सिचुएशन है उस कंट्री की उस कंट्री के अंदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस किस आ, किस तरह की हैं, तो उससे आपके ट्रेड यूनियन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस के अंदर डेफिनेटली चेंज आता है ठीक है वर्कर की क्या अप्रोच है ट्रेड यूनियनिज्म की तरफ उस पर्टिकुलर कंट्री uh, के अंदर एंड साथ ही साथ जो रिलेटिव पावर कंपोनेंट्स हैं यानी कि सरकार इंप्लॉयर ट्रेड यूनियन पॉलिटिकल पार्टीज किसका कितना से है उसके ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करेगा ठीक है और ये जो पावर स्ट्रगल होगा ना आपस में इन डिफरेंट पार्टीज का सरकार का इंप्लॉयर का इंप्लॉय का उससे अल्टीमेटली डिफाइन होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल किसका है और ये कंट्रोल को इस पावर स्ट्रगल के कंट्रोल को बेसिकली मैक्स वेबर कहते हैं एज सोशल एक्शन ठीक है जी तो मैक्स वेबर के अकॉर्डिंगली चार टाइप ऑफ सोशल एक्शन होते हैं एक तो एंड रेशनैलिटी एंड रेशनैलिटी बेसिकली क्या होता है कि अल्टीमेटली हमें एंड रिजल्ट के ऊपर हमारा फोकस है ठीक है कि हमारा एंड रिजल्ट हमको ये चाहिए तो हमको यही एंड रिजल्ट चाहिए ठीक है जैसे मर्जी हमको एंड रिजल्ट अचीव करना है दूसरा होता है वैल्यू रेशनैलिटी वैल्यू रेशनैलिटी क्या होता है कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो ज्यादा मैटर करती हैं। आपका अल्टीमेट गोल सक्सेस हो या फेलियर हो लेकिन आपको अपनी वैल्यूज के हिसाब से काम करना है सेंटिमेंटल रेशनैलिटी जो बेसिकली सोसाइटल सेंटिमेंट्स हैं सोसाइटल जो इमोशंस हैं उसके हिसाब से यहां पर जो काम हो रहा है एंड अल्टीमेटली जो इन बीइंग ह्यूमन एज जो थॉट प्रोसेस तो होता है उसके ऊपर अगर जो एक्शंस डिपेंड करते हैं तो ये चार टाइप के एक्शंस होते हैं बेसिकली जो अल्टीमेटली पावर स्ट्रगल को कंट्रोल करते हैं ये सब थ्योरीज हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे जब हम इनको एक एक करके देखेंगे मैक्स हो गया या मार्क्स हो गया इन सबको हम अभी डिटेल के अंदर देखेंगे अभी हमें बस एक बेसिक आइडिया लेना है ठीक है हम ना बहुत स्लो प्रोसेस के साथ चलेंगे हमारा यहाँ पर काम बहुत फास्ट तभी हम अर्ली स्टार्टर बन रहे हैं है ना हम YouTube के ऊपर अर्ली स्टार्टर्स बनेंगे कि हम धीरे धीरे अभी एक एक दो दो तीन तीन लेक्चर जो जो अपलोड होंगे वो देखते रहेंगे तो उससे क्या होगा अपना सब्जेक्ट जब तक पेपर आएगा स्ट्रांग हो जाएगा ठीक है और छोटे छोटे वीडियोस डालेंगे तो अभी अपने को एक आइडिया लग गया बेसिक आइडिया इस लेक्चर में मेरे को आपको क्या देना था कि भाई मार्क्स ने मोटा मोटा क्या कह दिया ठीक है सोशल एक्शन थ्योरी ने मोटा मोटा क्या कह दिया ठीक है जी उसके बाद जो आपके सिडनी एंड बेट्रिस वेब्स हैं इन्होंने मोटा मोटा क्या कह दिया ये अपने को अब आइडिया लग गया अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो नेक्स्ट आपका अप्रोच आ जाती है इसके अंदर एक तो हमने कॉन्ट्राडिक्शनल अप्रोच देख लिया पीछे आ जाओ दोबारा से हाँ जी तो इसके अंदर हमने क्या कहा कि एक तो हमने कॉन्ट्रोडिक्शन पर देख लिया अब हम नेक्स्ट में देखेंगे ऑर्डरलीनेस पर एक आइडिया लग जाएगा अपने को कि किस चीज के अंदर क्या बात हो रही है अब जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि यार बताओ मेरे को कि मॉडरेट सोशल अप्रोच किसने दिया है सोशल एक्शन अप्रोच किसने दिया है या आपसे अगर कोई पूछ ले कि सोशल एक्शन में कौन से चार तरह के एक्शन को डिफाइन किया गया है ऑप्शन ए एंड रेशनैलिटी ऑप्शन बी वैल्यू रेशनलिटी ऑप्शन सी सेंटीमेंटल रेशनैलिटी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो ठीक है जी जो भी बेटा पढ़ रहे हो ना उसमें ये सोचना है कि इसमें हम एमसीक्यू कैसे बना सके जितने ज्यादा आप ये सोचोगे उतना ज्यादा आपकी प्रिपरेशन बेहतर होगी चलिए तो इस लेक्चर को तो दोस्तों हम यहीं पर अल्टीमेटली अब खत्म करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फर्दर हम प्रोसीड करेंगे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये जरूर आपने एक काम करना है ठीक है और पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक like कर सकते हो दिक्कत हो व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप मुझे मेल भी कर सकते हो टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो एक चैट ग्रुप है वहां पर भी आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर एंड बाय